नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपको मैं खान सर का असली नाम विथ प्रूफ बताऊंगा। जी हाँ, विथ प्रूफ खान सर का असली नाम क्या है, पटना वाले खान सर जीएस रिसर्च सेंटर वाले। जी हाँ, कई दिनों से कंट्रोवर्सी चल रही सोशल मीडिया पर, अगर आप एक्टिव हैं तो आपको पता होगा इन सारी चीज़ों के बारे में, चाहे ट्विटर हो चाहे जो, अगर आप न्यूज़ भी देखते हो तो भी पता होगा क्योंकि न्यूज़ चैनल्स इनके ऊपर पूरा का पूरा शो कर चुके हैं, चाहे वो जी हिंदुस्तान रहा हो या न्यूज़ 18 रहा हो या फिर दूसरे चैनल्स रहे हो, सब पे उनके बारे में न्यूज़ आ रही, सोशल मीडिया पर खबरें चल रही हैं, वायरल हो रहे हैं। खान सर जो कि एक कोचिंग सेंटर चलाते हैं, उनका टाइटल नेम खान सर है लेकिन उनका असली नाम क्या है अभी तक, वो जैसा कि आप सभी को पता है बाहुबली को कटप्पा ने क्यों मारा, इस सवाल के बाद सबसे बड़ा सवाल 2021 का आज ये है कि खान सर का असली नाम क्या है। तो उनका नाम विद प्रूफ इस वीडियो में बताऊंगा। पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए दोस्तों के साथ। लेकिन चलिए आपको बताते हैं उनका नाम। एक प्रूफ ये है कि खान सर के बारे में पड़ताल करते हुए लोग पड़ताल कर रहे थे, ऐसे में News24 की टीम, जी हाँ News24 की टीम जो है इन सारी चीज़ों की पड़ताल करते करते उनकी कोचिंग सेंटर पर पहुँचती है और वहाँ पे एक उनका जो उनको बहुत पहले से जानते हैं, बोले थे 5-6 साल हो गया क्या कहते हैं इनको यहाँ पे कोचिंग पढ़ाते हुए, लेकिन उनके बारे में नहीं बताऊँगा, उन्होंने तो बताया ही वही नाम, लेकिन एक आदमी ने और उनका जो नाम बताया जिससे ये प्रूफ होता है, एक ऐसे आदमी ने बताया है जिसका बता देना ही प्रूफ हो जाता है कि वाकई में। वैसे आपको बता दें खान सर का नाम कई लोग बोल रहे हैं कि अमित सिंह है, खान सर ने खुद कहा कि बैंक में बुलाते हैं, लेकिन उन्होंने कहा बैंक में मुझे बुलाते हैं पर बैंक में मेरा ये नाम, ये प्रूफ मैंने कोई सबमिट किया है ऐसा कुछ नहीं बोला। उन्होंने बोला कि बैंक वाले कई बोला कि मेरे फ्रेंड हैं वो लोग बुलाते हैं मुझे अमित बोल के। वहीं कई लोग बोल रहे हैं कि उनका नाम फैजल खान है, कई लोग बोल रहे हैं जहीरुद्दीन है, कोई खान सर कभी कभी बताते हैं मेरा नाम जालिम है, तो ऐसे जालिम खान है, तो ऐसे ही नाम कई सारे आ रहे हैं। लेकिन आपको असली नाम बता देता हूँ खान सर का, जो असली नाम है उनकी पुष्टि की है News24 के कैमरे के सामने, जो उनके जिस कोचिंग सेंटर में वो पढ़ाते हैं, जहाँ पे उनका ऑफिस है, कोचिंग सेंटर है पटना में, वहाँ के जो उस बिल्डिंग के मालिक हैं जिस बिल्डिंग में कोचिंग चलती है। कारण प्रूफ आपको बता दूं कि उस जो कोचिंग के मालिक हैं उन्होंने एक एग्रीमेंट तो किया ही होगा उनके साथ, और उस एग्रीमेंट को जब आप करते हैं उस टाइम पर आपके पैन कार्ड, आधार कार्ड, कोई ना कोई एक ऐसा प्रूफ लगता है जो आपका रियल नेम को आइडेंटिफाई करता हो, उस प्रूफ को क्या कहते के आधार पर एग्रीमेंट होता है, और वो एग्रीमेंट हुआ होगा क्योंकि पटना एक राजधानी है, वहाँ पर कोई ऐसे रूम तो आपको नहीं दे देगा कोई कोचिंग सेंटर या कुछ भी चलाने के लिए अगर आप वहाँ पर जाते हो तो। वहाँ पे उन्होंने खान सर का असली नाम बताया है, जो डॉक्टर साहब हैं जिनके यहाँ वो कोचिंग पर पढ़ाते हैं तो उनका आपको नाम डॉक्टर साहब का भी बता देते हैं। तो डॉक्टर आर एस प्रसाद नाम है उनका, पेशे से डॉक्टर हैं, उन्हीं के यहाँ उन्हीं के रूम में भाड़े पर उनका कोचिंग सेंटर चलता है। उन्होंने बताया कि खान सर का असली नाम फैजल खान है। जी हाँ, फैजल खान, मैं इस नाम की पुष्टि नहीं कर रहा हूँ, News24 के कैमरे पर डॉक्टर आर एस प्रसाद ने खुद बताया जो मकान मालिक हैं कि उनका नाम फैजल